नमस्कार, वायरल हरियाणा देख रहे हैं आप सब और मैं हूं रजत राणा। दोस्तों, ये तस्वीरें दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे से हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कितना खतरनाक सड़क हादसा दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर यहां पर हुआ है। और आप देख लीजिए, ये एक ट्रक है जो दिल्ली से पंजाब जा रहा था और ये सामान आप देख सकते हैं, शायद ये जो सामान है देख सकते हैं आप किस प्रकार ये सामान से भरा हुआ था। और उसके बाद जैसे ही ट्रक यहाँ पर पहुँचता है, ये दिल्ली की तरफ से आ रहा था। आपको मैं इधर की तस्वीरें ज़रूर दिखाना चाहूँगा और देखना चाहेंगे ट्रक ड्राइवर से भी बात करेंगे। देख सकते हैं कितना खतरनाक ये सड़क हादसा है। नंबर आप देख लीजिए, नंबर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। फिलहाल आप अंदर का जो ये शीशा है इसको तोड़कर ड्राइवर को बाहर निकाला गया है। देख लीजिए किस प्रकार से ये जो हादसा हुआ है यहाँ पर, बड़ी मुश्किल से। हालांकि भगवान का शुक्र ये रहता है कि ट्रक ड्राइवर की जो है जान बच जाती है और भी कोई जो है नुकसान जो है यहाँ पर नहीं होता, लेकिन ये शीशा तोड़कर ट्रक ड्राइवर को यहाँ से बाहर निकाला जाता है। मैं आपको नंबर ज़रूर दिखाना चाहूँगा, HP 72B 2867 नंबर है इस गाड़ी का। तो आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ है रेलिंग तोड़ते हुए। जी हाँ, रेलिंग तोड़ते हुए ये जो ट्रक है दिल्ली की तरफ से चंडीगढ़ पंजाब जा रहा था और आप देख लीजिए कि किस प्रकार से ये रेलिंग तोड़ते हुए आकर साइड में ये ट्रक पलट जाता है। क्रेन अब यहाँ पर आ चुकी है ताकि ट्रक को सीधा किया जा सके। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो ये रेलिंग लगाई गई है नेशनल हाईवे पर, इसका क्या हाल इसका हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बुरी कंडीशन में है, सारी रेलिंग टूट चुकी है और रेलिंग को तोड़ते हुए साइड में ये ट्रक पलटा है। आपको और भी तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं किस प्रकार से ये सारा नुकसान, ये टायर किस प्रकार से ये सब नुकसान यहाँ पर हो चुका है। ट्रक बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त यहाँ पर हो चुका है। आपको ये तस्वीरें भी यहाँ की हम दिखाना चाहेंगे। आप सभी से अपील यही रहेगी कि खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहें। इधर की तस्वीरें हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर ये कैबिन है अंदर, और अगर अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएँ तो अंदर बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। अंदर की तस्वीरें मैं ज़रूर कहूँगा अपने कैमरामैन बंटी से कि वो दिखाए अंदर की तस्वीरें, अंदर जाकर एक बार आगे जाकर वो तस्वीरें दिखाए कि ये शीशा, ये कैबिन है जहां पर ड्राइवर और कंडक्टर बैठे हुए थे। लेकिन गनीमत यह रही कि इनकी जान तो बच गई है। शीशा तोड़ा गया, इस कैबिन का फ्रंट का शीशा जो है ट्रक का तोड़ा गया, तब जाकर के जो है ड्राइवर है उसको निकाला गया है। और आप खुद देख सकते हैं ऊपर की हालत कैसी हालत है, बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त ये ट्रक यहां पर हो चुका है। ड्राइवर से भी हम जरूर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं कितना ज्यादा सामान इसमें भरा हुआ था। बताया ये जा रहा है कि ड्राइवर को नींद की झपकी जो है वो आ जाती है और उसके बाद रेलिंग तोड़ते हुए ये साइड में ये ट्रक पलट जाता है। इस मार्ग पर आप देख सकते हैं जो चंडीगढ़ की तरफ से वाहन आ रहे थे उन सबको रोक दिया गया है, रास्ता डाइवर्ट करके सर्विस लेन नीचे से आप देख सकते हैं सर्विस लेन से ये सब जो वाहन हैं वो अब निकाले जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। रास्ते की अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं बिल्कुल रास्ता बंद हो चुका है। यहाँ से कोई भी वाहन यहां से नहीं निकल सकता। ऐसे में सर्विस लेन से अब वाहनों को निकाला जा रहा है। तो आप सभी से अपील यही रहेगी कि खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा सामान जो है हाईवे पर अब बिखरा पड़ा है। ड्राइवर को हम जरूर देखना चाहेंगे, ड्राइवर से बातचीत जरूर करना चाहेंगे कहाँ पर है। हालाँकि हाईवे पेट्रोल की गाड़ी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रूर जानना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले ये बताएँ आपको चोट तो नहीं लगी कहीं पर? नहीं, ड्राइवर दूसरा था तो मैं मतलब हेल्पर हूँ, तो फिर ड्राइवर मतलब गाड़ी छोड़ के उसी टाइम भाग गया था। मैं मतलब सो रहा था तो ड्राइवर जैसे ही गाड़ी पलटी तो मतलब लोगों ने मेरे को निकाला तो ड्राइवर उस टाइम भाग गया। ड्राइवर भाग गया था, भाग गया। तो आपको तो चोट नहीं लगी कहीं पे? नहीं, बचा के बस थोड़ी बहुत है, चोटें लगी हुई हैं। ये जैसे चोटें लगी हुई हैं इनको, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सारी जगह चोटें लगी हुई हैं। तो ये बताएं कि ड्राइवर कहाँ का था? ड्राइवर उधर पंजाब साइड का, पंजाब का था। हाँ, कहाँ जा रहा है? नींद आ गई थी ड्राइवर को? नहीं नहीं, नींद वगैरह कुछ नहीं है। मुरतल मतलब हम 1-1.5 बजे मुरतल मतलब सो के हम वहाँ से निकले हैं 4:30-5 बजे। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि 3 लाइन थी तो लास्ट लाइन में और जा रहा था जो था डीजल वाला टैंकर था, तो बीच में क्रिस्टा गाड़ी थी
तो जो क्रेस्टा वाली कार वाला था उसने एकदम से गाड़ी को इधर को घुमा दिया। जैसे गाड़ी इधर घूमी तो उसको भी गाड़ी इधर को घुमानी पड़ी। जैसे फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ी तो सारी रेलिंग तोड़ते हुए इधर पलट गई गाड़ी। तो जो राइट हैंड साइड का टायर था वो ब्लास्ट हो गया, तो गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई तो पलट गई गाड़ी। नशा वगैरह तो नहीं किया हुआ था? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं था। तो देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि ड्राइवर जो है वो भाग गया था मौके पर। ये कंडक्टर हैं और पंजाब ये गाड़ी जा रही थी, टायर फट गया। टायर फटने से जो है दूसरी साइड, जी हाँ दूसरी साइड, ये ट्रक रेलिंग को तोड़ते हुए, सारी रेलिंग को तोड़ते हुए यहाँ पर पलट गया है। आप देख सकते हैं ये टायर यहाँ पर फटा हुआ है और ऐसे में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। आप गाड़ी को देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। और ख़ासकर अगर हाईवे की बात की जाए तो हाईवे की भी सारी रेलिंग यहाँ पर टूट चुकी है। आप सभी से अपील यही करेंगे कि खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करते रहें। और भी तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये जो सारा सामान है हाईवे पर, आप देख लीजिए पूरा हाईवे अब बंद हो चुका है। हाईवे पर जो आवागमन था चंडीगढ़ की तरफ से जो गाड़ियां आ रही थी वो सब गाड़ियां रोक दी गई हैं। और जो सर्विस लेन है, सर्विस लेन से ये गाड़ियां निकाली जा रही हैं। हर गाड़ी सर्विस लेन से होकर जो है वो निकल रही है। ऐसे में यातायात भी बाधित यहाँ पर होता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। और आप खुद देख सकते हैं काफ़ी लंबी लंबी कतारें जो हैं वाहनों की वो लग चुकी हैं। बहुत धीरे धीरे वाहनों को निकाला जा रहा है क्योंकि सर्विस लेन पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें, बहुत ज़्यादा परेशानियां जो हैं वो आती हैं। फिलहाल आपको हम ये ट्रक की तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। कुछ लोग और यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है ऐसे में और भी जो वाहन चालक हैं चपेट में आ सकते थे? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ सकते थे। वैसे ये हादसा कल रात से हुआ है। हाँ। तो अभी आई है, पुलिस भी आई है, बंदे भी आए हैं। अभी दूसरी क्रेन आ रही है, वो अभी सीधा करेंगे इसको। देख सकते हैं एक और क्रेन को बुलाया जा रहा है ताकि पहले ट्रक को खाली किया जाएगा और उसके बाद इसको सीधा किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी यहां पर हो सकता था। लेकिन भगवान का शुक्र है कि ड्राइवर भी बच गया, कंडक्टर भी बच गया और कोई भी, क्योंकि रोंग साइड में आकर ये ट्रक पलटा है और रोंग साइड में कोई और वाहन जो है इस ट्रक की चपेट में नहीं आया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना ये खतरनाक सड़क हादसा है, जो कि रेलिंग को तोड़ते हुए, क्योंकि ट्रक दिल्ली की तरफ से जो है आ रहा था, पंजाब जा रहा था ये ट्रक, और आगे रेलिंग को तोड़ते हुए ये ट्रक जो है रोंग साइड में आकर पलट जाता है। गनीमत यह रही कि रोंग साइड में भी कोई और वाहन नहीं था। तो नंबर एक बार फिर मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, नंबर है HP72B2867। ये नंबर है और आप सभी से अपील यही रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। देख सकते हैं यहां पर इस शीशे को तोड़ा गया है। अगर मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये कैबिन, ये फ्रंट शीशा है ट्रक का, और इस फ्रंट शीशे को तोड़कर अंदर से ड्राइवर को, कंडक्टर को अंदर से बाहर निकाला गया है। और एक और तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि अगर अंदर की बात की जाए, अंदर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये ट्रक जो है बिल्कुल क्षतिग्रस्त यहाँ पर हो चुका है। और आप सभी से अपील यही रहेगी कि इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करते रहें। देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक ये सड़क हादसा है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक सड़क हादसा है। और अब आप देख सकते हैं एक और क्रेन को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, उसके बाद जो है इसको सीधा किया जाएगा। देख सकते हैं कहा जा रहा है कि गाड़ी को ये ओवरटेक कर रही थी, उस गाड़ी को बचाने के लिए जब ट्रक को साइड में किया जाता है, अचानक से ट्रक का टायर फट जाता है और टायर फटने से ये हादसा यहाँ पर होता है। क्रेन को बुला लिया गया है। ये सारा ये रास्ता देख सकते हैं आप, ये जो है चंडीगढ़ की तरफ से हाईवे पर ये रास्ता आता है और यहाँ पर ये सारा जो आवागमन है, वाहन चालक हैं सभी को रोक दिया गया है और सर्विस लेन से इन सभी को निकाला जा रहा है। आप सभी से अपील की इस खबर को देखने वाले इस खबर को शेयर ज़रूर करते रहें। धन्यवाद।